देर से प्लान हो रहा है और एक दफा कैंसिल भी हो चुका है। मैं नहीं थी चाह रही कि इसमें मजीद डिले हो। आज जो है हम लोग सीख ही लें कि एज अ बिगनर फ्रीलांसिंग में आप पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं और पोर्टफोलियो होता क्या है। वालेकुम सलाम एवरीबॉडी। थोड़ी देर वेट करते हैं, मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें, फिर वी विल स्टार्ट सेशन। में कितने लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं सेशन में, दे आर लाइव? वानिया, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी लाइव सेशंस होते हैं। आपने पहली दफा ज्वाइन किया है, आई वेलकम एवरीबॉडी जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जो पहले भी सेशंस में होते हैं। चलो दैट्स गुड, वॉइस इज क्लियर। आई होप के बाय द एंड ऑफ सेशन भी क्लियर ही रहे। अच्छा, पोर्टफोलियो की क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, क्या होता है पोर्टफोलियो और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्पेशली फ्रीलांसिंग में? आज जब हमने पोर्टफोलियो को डिस्कस करना है ना, जो हमने पोर्टफोलियो बनाना सीखना है उसका पर्पस है फ्रीलांसिंग में पोर्टफोलियो की क्या इंपॉर्टेंस है और फ्रीलांसिंग में आप कैसे बनाते हैं पोर्टफोलियो। बहुत डिफरेंट तरीकों से भी बनता है। अगर लेट्स से आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, आपकी कोई डिजिटल कंपनी है, तो आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट होगा। जो आज हम पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे वो फ्रीलांसर्स के लिए है। फ्रीलांसर एक ऐसे इंडिविजुअल होता है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आपको एज अ फ्रीलांसर भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप फ्रीलांसिंग नहीं करो, फिर आप जाके कोई ऑनलाइन बिजनेस कर लो। बिकॉज फ्रीलांसिंग का जो एक बेसिक पर्क है वो ये है कि इसमें आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी वेबसाइट, अपनी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको डोमेन लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को डेवलप करना पड़ेगा, होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी जो कि फ्री में तो होती नहीं है। इसलिए फ्रीलांसर्स के लिए एज अ बिगनर वेबसाइट वाला ऑप्शन इज नॉट अ गुड ऑप्शन। और जो आपका क्लाइंट होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेफर नहीं करते कि वो किसी लिंक पे क्लिक करें। तो हमने जितना भी आज पोर्टफोलियो को सीखना है, देखना है, वो सारा का सारा फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। वेलकम शकील फ्रॉम इंडिया। ओके, वालेकुम सलाम एवरीबॉडी। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। एतजाज, यस यू आर माई स्टूडेंट, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, मैं आपका देखती रहती हूँ ग्रुप में काम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अबव एक्सपेक्टेशंस जाके काम करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक सिखाती हूँ, लेकिन जो आप लोगों का काम होता है वो बहुत एडवांस लेवल का होता है, जिसको देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोग जो है सीख रहे हैं और अच्छा उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। वानिया के लैपटॉप में PST डाउनलोड नहीं हो रहा, इसके लिए जो गिग बनाया था हमने वो इमेज सेट नहीं कर सकती मैम। तो वानिया, आप अपने लैपटॉप में पहले तो PS वो फोटोशॉप जो है उसका प्रॉब्लम फिक्स कर लें ताकि आप इस पर काम कर सकें। आज मैं सारी कैटेगरीज के पोर्टफोलियो बताऊंगी कि एक कंटेंट राइटर पोर्टफोलियो कैसे बना सकता है, एक डेवलपर कैसे बना सकता है, डिजिटल मार्केटर कैसे बनाता है, डिजाइनर कैसे बनाता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा एक फ्रीलांसर के लिए। देखो, जब एक कंपनी पोर्टफोलियो बनाती है ना, कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है वो पोर्टफोलियो बना रही है, या कोई सॉफ्टवेयर हाउस पोर्टफोलियो बना रहा है, तो वो वेबसाइट होती है जो प्रेफर कि या तो कोई हार्ड कॉपी हो, कोई प्रिंट फॉर्मेट हो, या उनके पास वेबसाइट हो। एक फ्रीलांसर का पोर्टफोलियो अप्रोच टोटली डिफरेंट होता है। तो आज हम सब फ्रीलांसर्स हैं, तो हमने फ्रीलांसिंग में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए पोर्टफोलियो को डिस्कस करना है। 1 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, फिर हम इसको जो है प्रॉपर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो लोग ये जो लाइव सेशंस मैं आपके लिए करते हैं, अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो मैं आपको ये जो अभी नॉलेज है तो लर्निंग वाला है। दो तरह का नॉलेज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं, मैम जो आपकी पर्सनल कोचिंग है उसमें और बाकी में क्या डिफरेंस है? तो नॉलेज दो तरह का होता है, एक होता है लर्निंग बेस्ड, एक होता है अर्निंग बेस्ड। एक में आप सीखते हो, एक में आप एग्जीक्यूट करते हो। तो जो नॉलेज मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ, जैसे ये फेसबुक लाइव सेशंस के थ्रू कंडक्ट करके आपके साथ नॉलेज शेयर कर रही हूँ, या बेसिक कोर्सेज में, उसका जो मेन पर्पज है वो लर्निंग है। तो जो पर्सनल कोचिंग मैंने आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। उसमें आप सीखेंगे तो सही, लेकिन उसका मकसद सिर्फ सीखना नहीं है, उसका मकसद ये है कि आप लोग जो आपने सीखा है उससे अर्निंग भी करें। तो अगर ये जो फेसबुक लाइव ऑडियंस है, अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे लगता है कि जो मैं टाइम आप लोगों पे इन्वेस्ट कर रही हूँ दैट इज वर्थ इट। तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि आप इसी नॉलेज को कैसे जो है एग्जीक्यूट करके अर्न कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल ये है,
आज जो मैं आपको पोर्टफोलियो के बारे में चीजें सिखाऊंगी, अगर आप लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं और अपने पोर्टफोलियो बना के ग्रुप में अपलोड करेंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि बिहेंस पे आप अपने पोर्टफोलियो को सेल कैसे करते हैं। बिहेंस, ड्रिबल, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिकली ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए हैं, जहाँ पे वो अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले करते हैं और उस पोर्टफोलियो के ही थ्रू आप अर्न भी कर सकते हो। अगर फाइबर पे काम नहीं मिल रहा है तो ओके, छोड़ दो, इंतजार कर लो, अपवर्क पे नहीं आपकी लक चल रही, दैट्स फाइन, बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो का। पहले मैं आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि पोर्टफोलियो होता है आपकी जो प्रूफ ऑफ स्किल्स, जब आप ऑनलाइन किसी भी क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं, आप उसके साथ प्रोजेक्ट डीलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको उसको देना होता है अपनी स्किल का प्रूफ, क्योंकि ऑनलाइन आप जो चीज सेल कर रहे हैं वो है आपकी स्किल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहती हूँ आपके पास एक प्रोजेक्ट है प्रेजेंटेशन डिजाइन का, एंड आई से कि ये प्रेजेंटेशन डिजाइन जो है मैं बहुत अच्छी कर सकती हूँ, तो आप मुझे कहेंगे इसका प्रूफ दिखाओ। प्रूफ के तौर पे मैं आपको क्या दिखाऊंगी, मेरी डिग्री या मेरे सर्टिफिकेट जो मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को फोर्स करके लिए होंगे कि मुझे सर्टिफिकेट दे दें। सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो मैं फ्रीलांसर नहीं बन सकता, ये बन सकती। कभी भी आप सर्टिफिकेट से या डिग्री से फ्रीलांसर नहीं बनते, फ्रीलांसर आप बनते हो अपने पोर्टफोलियो से, जो कि होता है आपकी स्किल्स का प्रूफ। अब बात ये है, कोई भी स्किल है आपके पास, पोर्टफोलियो इज अबाउट डिजाइन, पोर्टफोलियो इज अबाउट प्रेजेंटेशन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी कुकिंग नहीं कर सकते, अच्छा खाना नहीं बना सकते, लेकिन वो खाने को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग, हमारी क्या साइकी होती है, जब हम किसी 5 स्टार या 7 स्टार में जाके डाइनिंग करते हैं, स्पेशली जब हम फाइन डाइनिंग के लिए जाते हैं, तो हमारी साइकी क्या होती है, उससे अच्छा टेस्ट हमें 500 रुपए के ढाबे में मिल जाता है, जहाँ पे किसी भी आप कोई खाना खाते हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट 500 रुपये आती है। उससे कम टेस्ट में खाना आप खाते हैं, फाइन डाइनिंग के लिए जाते हैं किसी 5 स्टार या 7 स्टार रेस्टोरेंट में, और आप उसके लिए 5,000 देते हैं, तो आप जो 5,000 पे कर रहे हो उसकी आपको तकलीफ भी नहीं होती, क्योंकि आप खाने के टेस्ट के लिए पे नहीं कर रहे, आप पे कर रहे हो उसकी प्रेजेंटेशन के लिए, उसकी क्रॉकरी के लिए जिसमें वो आपको खाना सर्व करते हैं, एम्बियांस के लिए। इसी तरह डिजाइन आपने कैसा भी किया है, काम स्किल नॉट अबाउट डिजाइन। आपका जो काम है, आपकी जो स्किल है, चाहे वो ग्राफिक्स की है, आपकी डेवलपमेंट की है, कंटेंट राइटिंग की, कोई भी स्किल है आपकी, लेकिन अगर आपने उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी की है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस काम को सेल कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को सेल करके मजीद प्रोजेक्ट्स आप स्कोर कर सकते हैं। आप जिस भी क्लाइंट को अपना काम सेंड करेंगे वो कन्विंसिंग होगा। अब अगर इसको मैं अपने एग्जांपल से रिलेट करूं, तो आपके पोर्टफोलियो में जो क्रॉकरी होती है ना, क्रॉकरी के एलिमेंट किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में, वो होता है आपके डिजाइन के एलिमेंट्स। डिजाइन के 4 से 5 एलिमेंट्स हैं। मेन एलिमेंट आपका होता है कलर्स, टेक्स्ट और शेप। ये तीन चीजें, ये तीन एलिमेंट्स आपने एज अ क्रॉकरी अपनी किसी भी डिश में ऐड करने, अपनी किसी भी स्किल में ऐड करने, और वो ऐड करने के कुछ तरीके हैं, वो तरीके आज मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी कि आप किस तरीके, किन किन तरीकों से इन चीजों को ऐड करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। और दूसरी चीज होती है, एक तो मैंने आपसे बताया कि आपकी वो क्रॉकरी का सीन होता है कि जितना अच्छा आपके एक आपने डिश अगर प्रेजेंट की है, जितनी अच्छी उसकी क्रॉकरी होगी, उतना ही उसका टेस्ट इनहेंस होता है, उतनी उसकी डिमांड इनहेंस होती है। तो आपका काम जैसा भी है, बहुत सारे लोगों का कंटेंट राइटिंग में आपने कैसे क्लाइंट को आप वो करोगे, कैसे अट्रैक्ट करोगे, आपको क्या लगता है फ्रीलांसिंग में आप यू आर अ कंटेंट राइटर और आप एक प्रोजेक्ट पे बिड करते हो जिसमें किसी को आर्टिकल्स लिखवाने हैं या ब्लॉग लिखवाना है, तो एज अ प्रूफ ऑफ योर स्किल, एज अ पोर्टफोलियो, आपने उसको अपने प्रीवियस लिखे हुए 10-12 आर्टिकल्स भेज दिए हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में या पीडीएफ में, तो आपको क्या लगता है वो क्लाइंट डाउनलोड करके कभी आपका काम पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा। पोर्टफोलियो जब जब भी आपने डिजाइन करना है, जो भी मैं आपको अभी टेक्निक्स बताऊंगी ना, किसी भी टेक्निक को लेते हुए डिजाइन कर लो, आपका फोकस पता ही होना चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते थे, और क्या उसे कहते हैं, ये मुझे लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम, ओके ऑलराइट,
अच्छा, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हमारी एग्जाम के टाइम पे अप्रोच क्या होती है? अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं भी है तो इट्स ओके, आपने लिखाई इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, आप अच्छे मार्कर्स लेते हैं, आप अच्छे पेन लेते हैं कलरफुल सा उसको बना के बॉर्डर के साथ, कि आपके जो एग्जाम है जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, इतनी अच्छी हो कि एग्जामिनर पढ़े कम और देखते ही जो है ना उसका मूड सही हो जाए और वो आपको नंबर दे दे। इसी तरह हम लोग पोर्टफोलियो में करते हैं, हमारा फोकस काम से ज्यादा होता है प्रेजेंटेशन पे। काम पे इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो, अगर मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाना हो, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन डिजाइन का, तो जो मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई है मैंने आपके लिए तो बनाई नहीं है, मैंने अपने प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए बनाई है। हर क्लाइंट की अप्रोच डिफरेंट होती है, हर क्लाइंट की साइकी डिफरेंट होती है। हो सकता है एक काम एक क्लाइंट को पसंद आए, वो मुझे उसके लिए $400-500 भी दे, लेकिन वही काम मैं दूसरे क्लाइंट को दिखाऊं तो वो मुझे कहे कि ये क्या प्रेजेंटेशन बनाई है, इसकी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है मुझे, इट्स नॉट दैट गुड, क्या कलर चूज किए हैं, क्या आपने फॉन्ट चूज किया है। लेकिन मैंने तो प्रीवियस क्लाइंट के लिए चूज किया था ना, मैंने इस क्लाइंट के लिए चूज ही नहीं किया, लेकिन मुझे इसको भी इम्प्रेस करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं उसी पुरानी डिश के अंदर न्यू एलिमेंट्स ऐड करूंगी, जो कि होंगे कलर्स, जो कि होंगे फॉन्ट, जो कि होंगे कुछ शेप्स, ताकि मेरा एक बोरिंग डिजाइन प्रेजेंटेबल लगे और सारे के सारे व्यूअर्स को, जिससे भी मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करूँ, उनको समझ में आए। तो अभी जो है मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम जरा इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं कि पोर्टफोलियो को बनाने की क्या क्या टेक्निक्स होते हैं फ्रीलांसर्स के लिए। अगेन मैं ये बात क्लियर कर दूँ, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है, तो फ्रीलांसर्स की जो अप्रोच होती है पोर्टफोलियो की वो डिफरेंट होती है। अगर कोई कंपनी अपना पोर्टफोलियो बनाएगी, उनकी पहली प्रेफरेंस ये होगी कि वो वेबसाइट बनाए, या वो कोई मैगजीन फॉर्मेट में बनाए, कोई बुकलेट बनाए, चाहे वो कोई ग्राफिक्स की कंपनी है, कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, या कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, तो जो उनका पोर्टफोलियो होता है उसका जो फॉर्मेट होता है मोस्टली या वेबसाइट होती है या वो होती है हार्ड कॉपी, एक बुकलेट या मैगजीन। फ्रीलांसर्स के लिए दोनों अप्रोचेस जो है वो आप उसे कह सकते हो कि प्रेफरेबल नहीं है। पहला रीजन तो ये कि दोनों में इन्वेस्टमेंट है, और फ्रीलांसर एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर वो होता है जो कि अपने फ्रीलांसिंग करियर में अपने पास से पैसे नहीं लगाता, मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो आप जाके ऑनलाइन बिजनेस कर ले। मैं बहुत सारे देखती हूँ बच्चों के पोस्ट और कमेंट्स, एक किसी का पोस्ट था कि हम अपने जो फाइवर के गिग्स हैं उनको फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। आप ये देखो, आपने एक सर्विस जो है ऑफर करनी है और उसके लिए आप पैसे लगा रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, पेड मार्केटिंग कर रहे हो, $5 का आपका गिग होता है, चलो लेट्स से $50 का भी है, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है? वो पेड मार्केटिंग आप काम इस तरीके से करें कि आपको विदाउट पैसे लगाए जो है रिजल्ट मिले। अगर आपने पेड मार्केटिंग करनी है तो ई कॉमर्स कर लो, कॉन्टेंट क्रिएशन कर लो, डिफरेंट तरीके आप उन चीजों के ऊपर आ जाए। जो अभी मैं तरीके बताऊंगी, क्योंकि किसी ने जब मैंने पोस्ट लगाई थी कि आपको पोर्टफोलियो में क्या कुछ सीखना है, तो एक कमेंट था कि हमें पोर्टफोलियो के डूज एंड डोंट्स भी बताएं। तो फ्रीलांसर्स के लिए पोर्टफोलियो का पहला डू ये होता है कि आपने कोई भी डाउनलोडेबल फाइल जो है वो नहीं बनानी है एज अ पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये है, आप चाहे कंटेंट राइटर हो, डेवलपर हो, ग्राफिक डिजाइनर्स का तो मोस्टली वो इमेज फॉर्मेट ही होता है जिसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। ये मैं बता रही हूँ, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, तो आपने क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो ऐसे फॉर्मेट में सेंड नहीं करना कि उसको डाउनलोड करना पड़े। क्लाइंट्स डाउनलोड नहीं करते, स्पेशली जो पाकिस्तानी होते हैं और जो बिगनर्स होते हैं, उनका काम ना तो वो डाउनलोड करते हैं ना वो उनके लिंक्स पे व्यू करते हैं कि पता नहीं हमारे सिस्टम में कोई वायरस ना आ जाए या कोई प्रॉब्लमेटिक लिंक ना हो। तो बहुत सारे क्लाइंट्स की साइकी ये होती है कि ना तो वो बिगनर्स के लिंक्स पे क्लिक करते हैं, चाहे आपने किसी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वो उसको ओपन नहीं करेंगे, ना वो आपकी कोई फाइल डाउनलोड करेंगे। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ देखेंगे जो चीज सामने नजर आ रही है। फाइबर पे, अपवर्क पे, सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो इमेज फॉर्मेट होता है ना उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, वो आपका क्लाइंट आपके प्रपोजल के साथ ऑन अ सिंगल क्लिक व्यू कर सकता है। तो पहला डू ये होगा कि हमारी फाइल व्यू एबल होगी पोर्टफोलियो की, डाउनलोड एबल नहीं होगी। दूसरा डू ये होगा, इसको आप डोंट भी कह सकते हो, कि आपने एक सिंगल फाइल सेंड करनी एज अ पोर्टफोलियो। ये नहीं करना, आप लेट्स से लोगों का आपने पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपने 10 लोगोस बनाए हैं तो वो 10 फाइल्स हैं, इस तरह से नहीं करना। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि फ्रीलांसिंग में जब आप काम करते हो ना, तो डिलीवरी फॉर्मेट अलग होता है, पोर्टफोलियो का फॉर्मेट अलग होता है। डिलीवरी फॉर्मेट का मतलब ये है, क्लाइंट को आप काम किसी और फॉर्मेट में सेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्लाइंट के लिए 3 लोगोस बनाए हैं तो आप क्लाइंट को 3 फाइल सेंड करोगे,
आप क्लाइंट के लिए डिफरेंट काम कह रहे हैं, तो अगर आप ब्रोशर्स बना रहे हो क्लाइंट के लिए, ब्रोशर आपने बनाया और ब्रोशर के लेट्स से 4 पेज है, तो डिलीवरी फॉर्मेट ये होगा कि आप क्लाइंट को 4 फाइल सेंड करेंगे। लेकिन अगर आप किसी को पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं तो आपने सिर्फ एक फाइल सेंड करनी है, अपना टाइम भी बचाना है, क्लाइंट का टाइम भी बचाना है। प्रोफेशनल अप्रोच होती है, जो आपका पोर्टफोलियो होता है ना, अगर उसकी अप्रोच प्रेजेंटेशन की प्रोफेशनल होती है, ट्रस्ट मी 99% चांसेस होते हैं कि वो प्रोजेक्ट आपके है। बिकॉज सब लोगों को इन बातों का नहीं पता। ठीक है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं। जैसे ही आप फाइवर पर जाके साइन अप करते हो, आप अपवर्क पे देखते हो, आप freelancer.com पे देखते हो, इतना कंपटीशन होता है, आप कहते हो कि मुझे इसमें काम कैसे मिलेगा। आपको ऐसे मिलेगा कि आपको वो बातें पता होंगी जो सारे फ्रीलांसर्स को नहीं पता। मोस्टली लोग फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे आते हैं यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, किसी से सुन के कि जी मैंने एक हफ्ते में $500 बनाया। कैसे बनाया? मैंने अपवर्क पे साइन अप किया, मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। तो आप अगला जो सुनने वाला है वो भी जाके ऐसे बना लेगा, लेकिन उसको काम थोड़ी मिलेगा, उसको काम करने की टेक्निक नहीं पता। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इसके ना प्रैक्टिकल पे आते हैं कि पोर्टफोलियो। अच्छा, ये तो चीज आपको क्लियर हो गई है ना कि आपने सिंगल फाइल पोर्टफोलियो बनाना है फ्रीलांसिंग में, फ्रीलांसर्स ने, इंडिविजुअल्स ने। अगर आप इंडिविजुअल है, किसी मार्केट प्लेस पर काम कर रहे हो, फाइवर पे पोर्टफोलियो लगाना है, अपवर्क पे किसी को भेजना है, तो सिंगल फाइल होगी, और जो है फाइल जो होगी वो PDF में नहीं होगी, डाउनलोड ना करनी पड़े क्लाइंट को। अगर तो बहुत जरूरी हो तो फिर PDF भेज दो, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक क्लाइंट PDF जो है वो डाउनलोड नहीं करते, बिकॉज वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर किसी के साथ काम कर रहे हो फिर वो डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन सोचो जरा कि एक प्रोजेक्ट पे आप बिड कर रहे हो जिसपे ऑलरेडी 20+ बिड्स है। अब 20+ फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, या तो लिंक सेंड करते हैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का, या सारा काम अलग अलग फाइल्स में सेंड करते हैं, या जो एक PDF बना के भेजते हैं। अब क्लाइंट तो पागल हो जाएगा इतनी सारी चीजें डाउनलोड करते हैं, वो नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको प्रेफर करेगा जिसका काम नजर आ रहा है। अच्छा, उसने प्रोजेक्ट उसका प्रपोजल ओपन किया, सामने उसका पोर्टफोलियो है सिंगल फाइल में, वो उसी वक्त उससे कॉन्टेक्ट करेगा। तो अब पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, कितनी टाइप्स होती हैं पोर्टफोलियो की, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। और अगर आप अभी 100 की ऑडियंस है, अगर 100 स्टूडेंट्स अपना पोर्टफोलियो इन्हीं तरीकों के मुताबिक बना के मुझे टैग करोगे, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि पोर्टफोलियो को सेल कैसे करते हैं पोर्टफोलियो से। और पोर्टफोलियो सेल करने के लिए आप अपवर्क फाइवर पे नहीं जाते, आप बिहेंस और ड्रिबल पे जाते हो, जहां से आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स मिलते हैं, और उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है, मैं फिर अपने आप को स्क्रीन से ऑफ करती हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन जो है वो क्लियरली नजर आए। अच्छा, मुझे बताएं अगर आपको जो प्रेजेंटेशन है वो वेरी क्लियरली नजर आ रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से ताकि साइज स्क्रीन का और अच्छा हो जाए। ओके, परफेक्ट। सो पोर्टफोलियो मैंने बताया कि होता है प्रूफ ऑफ योर स्किल। अब स्किल आपकी चाहे ग्राफिक डिजाइन है, चाहे आपकी कंटेंट राइटिंग है, चाहे आपकी डेवलपमेंट है। एक और बात मैं यहाँ पे बहुत मजे की ऐड करूँ, मैंने शुरू में बताया ना कि जो होती है पोर्टफोलियो, इसका ताल्लुक ग्राफिक डिजाइन से ही है। कोई और ऐसा तरीका नहीं है जिसके थ्रू आप पोर्टफोलियो बना सको। आपको डिजाइन आता है नहीं आता, आपको ग्राफिक डिजाइन के थ्रू ही पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने एक इमेज शेयर किया था आपसे, लेट मी सी अगर फिर मेरे पास है कि नहीं, ताकि मैंने एक इमेज शेयर किया था कि सबसे ज्यादा जिस कैटेगरी में सेल होती है, सबसे ज्यादा जिस कैटेगरी में काम मिलता है, वो है आपकी ग्राफिक्स एंड डिजाइन की कैटेगरी। क्यों? देखो, चाहे आप डेवलपर हो, लेकिन आपको अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, जो आपके एलिमेंट्स बनाएगा। आप कंटेंट राइटर हो, आपको अपना ब्लॉग पब्लिश करने के लिए ग्राफिक चाहिए होगा। आप डिजिटल मार्केटर हो, आपको अपने एड्स चलाने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होगा। तो ग्राफिक एक ऐसी कैटेगरी है जो कि सब कैटेगरी से रिलेट करती है। इसीलिए मैं अब जो बिगनर्स होती है उनको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप से स्टार्ट करो, क्योंकि टेक्निकल नहीं है, आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं आते। टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं तो आपके प्रोजेक्ट बहुत खराब होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस स्किल को ये नहीं कह रही कि आप ना काम करो। आप मैं उनके लिए बता दूं जो कि बिगनर है, जिनको समझ कुछ नहीं आ रहा। अगर आप लोग डेवलपर हो,
क्लाइंट के एंड पे कोई टेक्निकल इशू है, उसकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, उसको डोमेन होस्टिंग में प्रॉब्लम है, वो आपका प्रोजेक्ट खराब करेगा, वो कहेगा मुझे फिक्स करके दो। भाई आप कैसे फिक्स करके दो, मसला उसकी साइड पे है लेकिन क्लाइंट नॉन टेक्निकल है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। आप कॉन्टेंट राइटर हो, आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन जो आपका क्लाइंट है उसका दिमाग जो है वो अगर मोटा दिमाग होगा, उसको समझ नहीं आएगा कि इसको मैंने किस तरह से ठीक करना है, ये मुझे मेरी इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे प्रॉब्लम्स आती है। बार बार आपको एक ही चीज लिखनी पड़ती है और हर दफा आप एक ही एफिशिएंसी से सेम टॉपिक पे नहीं लिख सकोगे। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग की हम बात करें, इसमें ना तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, ना ही इसमें कुछ ऐसे रिवीजन आते हैं जिनको कैटर करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो। सो और दूसरा, ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी आपकी हर एक चीज से रिलेट करती है। आपको पता है फाइबर पे बहुत सारे गिग्स ऐसे हैं जो आपका पोर्टफोलियो बनाने की ऑफर करते हैं। मैं प्लान कह रही हूँ किसी एक सेशन में मैं आपको ना फाइबर के गिग्स बनाना सिखाऊं, गिग कवर्स नॉट गिग्स, ताकि आप एक चीज देखें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको अगर डिजाइन में जरूरी नहीं ग्राफिक डिजाइन की ए टू जी हर चीज पता है, कोई एक स्किल सीख लो, कोई एक ब्लॉग सीख लो और उसको सीखने के बाद काम शुरू करो। आपका मेन पर्पस तो अर्निंग है ना, आपको फ्रीलांसिंग से क्या चाहिए, पैसे बनाने हैं। अगर हम यहाँ पे देखें गिग इमेज, तो आपको चाहे ग्राफिक डिजाइन में कुछ नहीं भी आता, सिर्फ आपको गिग इमेज बनाने आते हैं, तो आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन अगर आप स्किल नहीं है तो आप अब आते हैं काम की बात पे। तीन तरीके से आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक सेकंड, इसमें को जरा स्क्रीन को हम एडजस्ट कर लिया। तीन तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो। आवाज का इशू आ रहा है, किसी को भी नहीं आ रही आवाज, वॉइस नहीं आ रही। आप मुझे पहले बताया था कि इसको फिक्स कर लिया। आवाज का प्रॉब्लम सबको आ रहा है या दो तीन लोगों जिन्होंने मेंशन किया उन्हीं को सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है? वॉइस प्रॉब्लम सबकी तरफ इशू है। ओके जस्ट अ मिनट, गिव मी वन सेकंड। मुझे जरा क्लियर करो अगर आवाज आ रही है तो। अब ठीक है, बेहतर है आवाज, फिर हम इसको स्टार्ट करें। ओके सबको नो वॉइस, वॉइस इज फाइन। ओके थैंक यू इतफाक। चलो लेट्स प्रोसीड, हम इसको फिर से जो है कंटिन्यू करते हैं। तीन तरीके से आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो प्रेजेंट करने की तीन किस्में होती हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ग्राफिक डिजाइनर्स, राइटर्स, डेवलपर्स, डिजिटल मार्केटर्स, ये सब ये वो तरीका है जो कि सारे के सारे स्किल वाले लोग यूज करते हैं। आपकी कोई भी स्किल है, आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ वर्क ओवर टाइम शोइंग ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। आपने जो भी स्किल सेल करनी है उसमें जो आपने काम किया है, अब देखो काम, लेट्स से मैंने ये ब्रोशर, ये इसकी एग्जांपल है, मैंने ब्रोशर डिजाइन किया है, मैं कभी भी एज अ पोर्टफोलियो क्लाइंट को ब्रोशर नहीं भेजूंगी। ब्रोशर मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में एक प्रोसेस बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने ये आर्किटेक्चर ब्रोशर बनाया है, देन उसका कवर पेज लगाया, बैकग्राउंड पे कोई इमेज होगा, ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं आपको इजीली या किसी भी फ्री सोर्स वेबसाइट से मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आता है कि उन्हें आसानी मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, अगर ब्राउशर का काम क्लाइंट को सेंड कर रहे हो या प्रेजेंटेशन है या लेट्स से आपको डिजिटल मार्केटर है, यहाँ पे उसने बताना है कि उसने एबीसी ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग किया, तो वो क्या करेगा,
वो पहले अब टाइटल लिखेगा कि उसने काम किया, देन उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा प्रोसेस बताएगा, पूरे प्रोसेस को उसने। वॉइस इश्यूज फिर से आ रहे हैं। ओह लेट मी सी हाउ टू फिक्स इट। वॉइस ने भी तभी डिस्टर्ब करना होता है जब हम लोग काम की बात कह रहे होते हैं। ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, इसको मुझे जरा फिक्स करने दें। वॉइस इशू रिजॉल्व हुआ है, ये पता नहीं जब मैं उसको करती हूँ फुल रेजोल्यूशन पे स्क्रीन को तो वॉइस इशूज आ जाते हैं। वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है, मलिहा क्लियर होती है तो मुझे बताएं जरा। अच्छा ओके दैट्स गुड। इससे पहले कि फिर से हमें तंग करें हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या करते हैं, आप सारी की सारी जो है ग्रोथ प्रोसेस वो डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर आप हो ब्रोशर को बता रहे हो, प्रेजेंटेशन को बता रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहे हो, कंटेंट राइटिंग के बारे में बता रहे हो, तो एक एक स्टेप बताओ, एक एक स्टेप बताओ। आप ये सारे के सारे स्टेप्स बनाएंगे और अपने प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करेंगे, एंड देन वो जब आप क्लाइंट को सेंड करेंगे तो आपका इंप्रेशन भी टोटली डिफरेंट होगा। अब खुद आप बताएं कि एक ब्रोशर की सिंपल पिक्चर भेज देने में और इस तरह से डॉक्यूमेंट करने में कितना फर्क है। डॉक्यूमेंटेशन में आप प्रोजेक्ट वाइज डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे ब्रोशर की डॉक्यूमेंटेशन है जी, ये मेरी प्रेजेंटेशन की है, ये मेरे लोगो की है, ये मेरी डिजिटल मार्केटिंग की है, ये कंटेंट राइटिंग की है। कंटेंट राइटर जिसमें क्या कर सकते हैं, जिस टॉपिक पे आपने लिखा है आप उस टॉपिक के बारे में बताएं, आपने जहां से रेफरेंसेस उठाए हैं उन वेबसाइट्स के बारे में बताएं, जो आपने रिसर्च की है, जो रिसोर्सेज है आप उनके स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हैं। इस तरह से आप जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका पोर्टफोलियो बनाने का कहलाता है प्रोसेस। प्रोसेस का जो तरीका है ये ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं। प्रोसेस में एक डिजाइनर ये बताता है कि उसने कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज करते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया। अब ग्राफिक डिजाइन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मैंने बताया कि शेप होती है, कलर्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, वो आप सारा प्रोसेस बताते हो कि जी इस प्रोसेस को यूज करते हुए मैंने ये एक जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, या मैंने एक जो है एक टास्क परफॉर्म किया है। डॉक्यूमेंटेशन का तरीका सब स्किल वाला है, तो जब अगर आपने क्लाइंट को लोगो सेंड करना हो तो उसको सिंगल लोगो कभी भी सेंड नहीं करना कि ये जी मैंने प्रीवियस लोगोस बनाए हैं, ये 5 लोगोस है, मैं आपको 5 फाइल सेंड कर रहा हूँ, प्लीज है वालू को कभी भी नहीं देखेगा, देख लेगा तो प्रोजेक्ट कभी नहीं देगा। उसको अपने एक ही लोगो का प्रोसेस भेजो कि जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है कि मैंने इसमें ये फॉन्ट यूज किए, ये शेप यूज की, इस पर जो राइट साइड पे हमारे सामने एग्जाम्पल आ रही है इसमें वो बता रहे हैं कि ये मैंने बार्स, ये आर्क और ये जो स्क्वेयर बॉक्सेस है, ये वाली शेप्स मैंने इस लोगो में यूज की है, ये मेरा फॉन्ट है, ये टिपोग्राफी है, ये कलर्स है। तो आप ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है क्लाइंट को इन फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस बता सकते हैं कि इस तरह से मैंने ये काम किया। एक और एग्जाम्पल। हाँ वॉइस इशू इतना ज्यादा आ रहा है। ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अब मुझे ये नहीं पता कि आप सबको आ रहा है या टू मच वॉइस इशू। ओके इसका फिर एक सोल्यूशन है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी स्क्रीन साइज, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ इतना स्क्रीन साइज ठीक है, बिकॉज इस फॉर्मेट में आपको वॉइस इशू नहीं आएगा। लाइव सेशन होता है और इसीलिए आई प्रेफर के जो इसीलिए आप लोग जो है ना कोचिंग लेते हैं, ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन करते हैं, बिकॉज वहां पे जब लाइव स्ट्रीम में फेसबुक के इश्यूज होते हैं, मैं स्ट्रीम यार्ड से लाइव हूँ उसके इश्यूज है, इंटरनेट बिल्कुल ठीक है लेकिन स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम्स है। तो जो आपके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो जूम पे कंडक्ट होते हैं, जूम पे इस तरह की स्ट्रीमिंग के इश्यूज कम आते हैं। एनीवेज बैक टू टॉपिक, स्क्रीन छोटी कर दें। ओके अच्छा जी सबको आया, अब क्या करें, वॉइस ज्यादा खराब हो गई है। अच्छा मुझे फिर इसको दोबारा रीस्टार्ट में कर लेती हूँ, स्ट्रीम को दोबारा रीस्टार्ट करती हूँ। आप लोग सिर्फ 1 मिनट इंतजार करें, मैं इसको रीस्टार्ट करती हूँ स्ट्रीम को।
स्क्रीन शॉट कर दें। ओके ऑल राइट। अच्छा अब देखो अब बेहतर है। बताओ कि इफ इट्स बेटर नहीं बेटर। अच्छा फिर मुझे आप 1 मिनट दें, मैं इसको ना दोबारा से रिस्टार्ट करती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाह रही हूँ कि आप सब लोग जो है ना इसमें इसमें जी मैंने इसको रीस्टार्ट किया है। अब मुझे बताएं कि क्या मसला सॉल्व हुआ, कुछ बेहतरी महसूस हो रही है? ओके दैट्स परफेक्ट। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इससे पहले कि फिर से वो इशू हो जाए, हम इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। दैट्स परफेक्ट। अच्छा जी हम बात कर रहे थे प्रोसेस की कि प्रोसेस में आप क्या करते हैं। प्रोसेस में आप स्क्रीन तो विजिबल नहीं है, अब स्क्रीन विजिबल है। प्रोसेस में आप बनाते हो बताते हो कि आपने जो एक डिजाइन किया है इसमें आपने कौन से कलर्स यूज किए हैं, कौन से फॉन्ट यूज किए हैं, पूरा जब आप प्रोसेस बना। अब देखो एक लेआउट बन गया है। अब ये जो मेथड का लोगो है शायद ही इतना अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन जब आप ये पूरा एक बना के प्रोसेस सेंड करेंगे क्लाइंट को तो वो डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएगा। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आप यूज करते हैं फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ योर डिजाइन, वो आपके डिजाइन को बैलेंस करते हैं, आपके डिजाइन को इक्वल करते हैं, हर किसी के लिए बैलेंस करते हैं कि कोई भी देखेगा उसके समझ में आएगा। अदरवाइज जो मेथड का लोगो है क्या पता मुझे पर्सनली पसंद ना हो, लेकिन क्लाइंट ने पे किया है तो लोगो सही होगा, लेकिन मुझे बाकी सबको ये बताने के लिए दिखाने के लिए कि लोगो इज वर्थ इट, ये अच्छा लोगो है, मैं इसको बैलेंस करूंगी विद हेल्प ऑफ अदर डिजाइन एलिमेंट्स। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं दो एग्जाम्पल्स मैंने ऐड किए हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं ये आपके सामने। एक इसके अंदर कि उसने कलर्स डिफाइन किया, आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो कलर्स डिफाइन। रेड वाले एग्जाम्पल में उसने सर्कल्स बना के बताया कि ये कलर है, इसका कलर कोड है, ये इस कलर का जो है क्या उसे कहते हैं वो एक हेक्सा कोड होता है, देन ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट का नाम है, ये लोगो के डिफरेंट वेरिएशन है, ओरिजिनल कलर में ये ऐसा लगता है, ब्लैक में ऐसा लगेगा। देन उसी तरह से दूसरे वाले एग्जाम्पल में उसने डिफरेंट शेप्स बताई हैं कि उसने लोगो में कौन सी शेप्स यूज की हैं। तीसरा तरीका पोर्टफोलियो बनाने का जो के सब स्किल वाले लोगों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, वो है शोकेस। आप कंटेंट राइटर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप डेवलपर हो, आप एप्स बनाते हो, आप वेबसाइट बनाते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप शोकेस वाले तरीके के थ्रू जो है इजिली अपने काम को प्रेजेंट कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ अ पोर्टफोलियो। और जो सबसे ज्यादा तरीका फ्रीलांसिंग में यूज होता है अपना काम प्रेजेंट करने का वो शोकेस है। ये तरीके भी इस्तेमाल होते हैं प्रोसेस वाला भी, क्योंकि प्रोसेस में सिंगल फाइल है, डॉक्यूमेंटेशन में सिंगल फाइल नहीं होती, इसलिए जो है कुछ फ्रीलांसर्स प्रेफर करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, कुछ फ्रीलांसर्स प्रेफर नहीं करते। जबकि जो ये वाला तरीका है शोकेस का, इसमें सिंगल फाइल होती है, सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। दूसरा ये है कि इसमें कोई भी स्किल के लोग इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं अपने काम को या अपने प्रोजेक्ट्स को दो तरीकों से। एक तरीका होता है कोलाज, आप कोलाज बनाते हैं। अब जब आप कोलाज बनाते हैं तो उसमें आप डिजाइन एलिमेंट्स डालते हैं, आप क्रॉकरी डालते हैं, आप उसमें डिजाइन से हटके, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लोगो बनाया, ये एग्जाम्पल आपके सामने, ये एक आर्टिकल राइटर का कोलाज है, ये जो जिसने अपना पोर्टफोलियो बनाया वो आर्टिकल राइटर है। कंटेंट राइटर जब आप लोग होंगे तो आपने अपना काम, मैंने बताया क्लाइंट को कभी भी एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना, वो नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना है, आप जाओ कैनवा पे, क्योंकि अब आप कंटेंट राइटर हैं, आपको तो ये भी नहीं पता कि डिजाइनिंग क्या होती है। आप कंटेंट राइटर हैं, आपका डिजाइन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप कैनवा पे जाओ, आप यहाँ पे लिखो आर्टिकल, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जस्ट अ मिनट। आपने आर्टिकल लिखा कैनवा पे तो आपके सामने ये सारे फॉर्मेट्स आ गए। किसी भी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट करो, लेट्स से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करो, इस फॉर्मेट में जहाँ पे टेक्स्ट पोर्शन है वहां जो आर्टिकल लिखा है वो लिखो, यहाँ पे अपनी हेडिंग लिखो, कोई फिट सा ग्राफिक लगाओ, इसको इमेज फॉर्मेट में सेंड करो और क्लाइंट को भेजो। क्लाइंट आपका कॉन्टेंट पढ़े ना पढ़े वो आपको प्रोजेक्ट डेफिनेटली देगा,
क्योंकि वो आपकी प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हो चुके हैं। जब हम लोग, मैंने बताया ना, हम जाते हैं फाइन डाइनिंग के लिए, तो खाना खाने से पहले हम इम्प्रेस हुए होते हैं, हमारा आधा माइंड बन गया होता है खाने का टेस्ट बहुत अच्छा, चाहे टेस्ट फ्लॉप हो, लेकिन प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि हम अपने दिमाग में उस खाने को जो ना 100% मार्क्स दे चुके होते हैं। इसलिए जो राइटर्स हैं, आपने अपना काम जब भी क्लाइंट को सेंड करना है वो एक इमेज फॉर्मेट में सेंड करना है। अगर किसी मैगजीन के लिए लिखा है तो मैगजीन का वो देख लो कि क्या फॉर्मेट होता है। आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल के फॉर्मेट में, यहाँ पे हम ब्लॉग लिखते हैं, अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा है तो क्लाइंट को कभी भी आपने ब्लॉग, वो जो है अपने ब्लॉग का लिंक दोगे, बहुत कम क्लाइंट जो आपके ब्लॉग पे जाते हैं। तो ये ब्लॉग के फॉर्मेट्स है। इकरा पूछ रहे डेटा एंट्री के लिए कैसे करें। इकरा, डेटा एंट्री के लिए भी जो आप शोकेस का मेथड यूज कर सकते हैं, आपने क्या करना है, अपने डेटा एंट्री के लेने हैं स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट्स लेके उसमें डालने कुछ डिजाइन के एलिमेंट्स, कुछ कलर्स ऐड कर लो, कुछ शेप ऐड कर लो, कोई अच्छा सा टेक्स्ट लिख के लगा दो कि आपने डेटा एंट्री किस क्लाइंट के लिए की थी, क्या इसकी हेडिंग है, एक फिक्स सा कोलाज बना के क्लाइंट को सेंड कर दो। अगर आप डिजाइनर नहीं हो, समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप कैनवा पे जाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे कोलाज, या आपके पास डिफरेंट कोलाज आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कोलाज सेलेक्ट किया है, अब यहाँ पे जहाँ पिक्चर्स लगी है वहां पे अपने डेटा एंट्री के स्क्रीन शॉट लगाओ, जहाँ पे टाइटल लिखे वहां बताओ कि डेटा एंट्री का जो प्रोजेक्ट है इसमें आपने क्या परफॉर्म किया, आपने क्या काम किया है, किस क्लाइंट के लिए किया है, एक दो डिटेल्स लिखो, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपने डेटा एंट्री के काम के स्क्रीनशॉट्स लगा दो। और कितने खूबसूरत ये एक प्रेजेंटेशन बनी है, ये जो इमेज है, ये इमेज की प्रेजेंटेशन ही कितनी ज्यादा अपीलिंग है कि क्लाइंट आधा तो आपका काम देख के कन्विंस हो जाएगा, उसके बाद वो देखेगा कि अच्छा इसने काम किया क्या हुआ है। पहला काम होता है हमारा क्लाइंट को इम्प्रेस करना अपने पोर्टफोलियो से। वेबसाइट का नाम है canva.com, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, कुछ फीचर इसके पेड है, लेकिन वही बात कि फ्रीलांसर्स जो होते हैं उनकी पहली इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हम पहले फ्री रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। मुझे 11 साल हो चुके थे अब से पहले एज अ फ्रीलांसर काम करते हुए, अब मैं एज अ फ्रीलांसर काम नहीं करती, तो अपने 11 साल के फ्रीलांसिंग करियर में मैंने कभी भी किसी वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन अपने पैसों से परचेज नहीं की। आपको अपवर्क पे भी सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ती है, फाइवर पे कुछ फीचर्स परचेज करने होते हैं, freelancer.com पे भी करने होते हैं, लेकिन अगर अपने अपने पैसों से करने हैं तो फिर तो आप बिजनेस कर रहे हो ना, फिर तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे। तो अगर आपको कोई रिसोर्स परचेज करना हो तो आपकी पहली अप्रोच होनी चाहिए कि पहले मैं इस रिसोर्स का फ्री वर्जन यूज करूंगा, बाकी जो मैंने पेमेंट करनी है, जो मैंने फी देनी है इस वेबसाइट का, वो मेरी अर्निंग में से निकले, मैं खुद से कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करूं। और उसके अलावा freelancer.com का जब भी नाम आता है तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे मजे की जो वेबसाइट है ना फ्रीलांसर्स के लिए, वो freelancer.com है। मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस freelancer.com पे रहा। उसके दो रीजन है, एक रीजन तो ये है कि मुझे आई एम इनटू गेमिंग, जिन लोगों को गेम्स का शौक होता है ना, कुछ पता है गेम्स के लेवल्स होते हैं, सर्टेन लेवल्स आप अचीव करते हो, आपको बैजेस मिलते हैं, देन आपकी जो प्रोग्रेस अपडेट होती है, तो freelancer.com पे भी ना एक जैसे आप गेम खेल रहे हो, पैसे भी अर्न कर रहे हो, अपनी स्किल भी सेल कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हो, और साथ साथ आपका एक गेम भी चल रहा होता है, आपके लेवल्स अपग्रेड हो रहे होते हैं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग उसके अंदर चीजें हैं। तो जिन लोगों को freelancer.com का नहीं पता, आप उस पर एज अ फ्रीलांसर काम नहीं कर रहे, वहां पे जाके साइन अप करो। आवाज प्रॉब्लम, आज शायद संडे है, सब लोग जो है इंटरनेट को अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स वाई स्ट्रीमिंग के इश्यूज होंगे, बिकॉज मेरी साइट पे इंटरनेट तो काफी सही से आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर ले, कुछ चीजें रह गई है शेयर करने वाली, आई होप कि उनसे आपको फायदा होगा। अगर ज्यादा वॉइस प्रॉब्लम है तो फिर मुझे दोबारा से उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग की लाइव कमेंट्स अपडेट नहीं हो रहे, मुझे बता दें कि क्या गुजारे के काबिल है, हम प्रोसीड करें या इसको रिस्टार्ट कर दें। freelancer.com पे कितने लोग काम कर रहे हैं, जबरदस्त इतफाक बात ही होती है कि फ्रीलांसिंग का मजा ही तब है जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज ना करो। अगर आपको पैसे ही लगा के काम करना है तो ई कॉमर्स कर लो, कंटेंट राइटिंग कर लो, ब्लॉग्स बना लो, कुछ और कर लो। ओके परफेक्ट, थैंक यू रमशा। लेकिन आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप लोगों ने पैसे नहीं लगाने। अब जो लोग कैनवा का पूछ रहे हो, कैनवा का फ्री वर्जन यूज करो, इस पे अपने पोर्टफोलियोज बनाओ, बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स हैं। पोर्टफोलियो बनाने के बाद जब आपको काम मिलेगा, आपको लगता है कि अब आपको प्रोफेशनल वर्जन यूज करना है, तो फिर आप जाके जो है इसकी सब्सक्रिप्शन परचेज कर ले। अच्छा जी, अब शोकेस में मैंने बताया दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका कोलाज,
बनाते हुए आपने खाली पिक्चर्स को नहीं रख देना कि मतलब डिफरेंट टेक्निक्स है ना कोलाज की भी, यहाँ पे अगर आप देखो तो डिफरेंट तरीके से कोलाज डिस्प्ले हुए हुए हैं। एक टेक्निक ये होती है कि अपने इमेजेस की स्क्रीन शॉट्स की आप वो चेंज कर लें डायरेक्शन, जैसे इन्होंने किया हुआ कि इन्होंने बना के अपने आर्टिकल्स को एक डिजाइन करके देन उसका कोलाज उसमें ऐड हुआ हुआ है कि हेडिंग जिस पे काम किया हुआ है, कुछ सब लाइन टेक्स्ट जो सब लाइन हेडिंग होती है वो ऐड कर लो, कलर्स, अब ये ग्रे कलर ऐड किया तो ग्रे कलर जो है कितना अच्छा कंपनसेट कर दिया इन चारों इमेजेस के साथ, लाइक देखने में एक बड़ी बैलेंस सी फील आ रही है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, चाहे खाने की प्रेजेंटेशन हो, चाहे डिजाइन की प्रेजेंटेशन हो, चाहे स्किल की प्रेजेंटेशन हो, आपके टूल होंगे शेप, कलर्स एंड टेक्स्ट। इन तीनों चीजों को आपने यूज करते हुए कोलाज होता है आमिर शहजाद, एक प्रेजेंटेशन, एक प्लेसमेंट आपके एलिमेंट्स की, आपके स्क्रीनशॉट की, आपकी पिक्चर्स की, जिसमें आप डालते हैं कुछ एलिमेंट्स और वो एलिमेंट होते हैं आपकी शेप, आपका टेक्स्ट और आपके कलर्स। जितना अच्छा इनको यूज करोगे उतनी खूबसूरत आपकी प्रेजेंटेशन होगी। अगर आप डिजाइनर नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आप कैनवा की हेल्प लो, कैनवा पे जाके आप लिखेंगे कोलाज, कैनवा पे जाके आप लिखेंगे आर्टिकल डिजाइन, तो आपके सामने जो है उसकी डिफरेंट टेक्निक्स आ जाएंगी। ओके, वेल डन नमशा, बिल्कुल ठीक डिस्क्राइब किया आपने। अच्छा जी, उसके अलावा एक टेक्निक ये भी है कोलाज की, अब ये देखो इसमें उन्होंने क्या किया भाई, ये एक मैगजीन जो राइट लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है ग्रे बैकग्राउंड के साथ, ये एक मैगजीन का कोलाज है जी। मैगजीन पे काम कि अब क्लाइंट को सेंड करना है, तो अगर मैं पीडीएफ सेंड करूंगी तो मुझे पता है कि क्लाइंट तो देखेगा नहीं, अब वो देखेगा नहीं तो मेरे तो चांसेस 50-50 है मुझे प्रोजेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता। मैं क्या करूंगी, मैं उसका बनाऊंगी एक कोलाज, मैं अच्छी तरह से ये वाली जो एग्जांपल आपके पास ब्लू कलर में और ये ग्रीन कलर में, ये आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के कोलाजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस के कोलाज में आप फिनिश प्रोडक्ट मतलब जो आपने फिनिश प्रोजेक्ट बनाया है, डिफरेंट लोगोस बनाए हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, आप उसका प्रोसेस भी लगा सकते हैं। अब आप डिजिटल मार्केटर हैं, आपने एक पेज के लिए प्रमोशनल कैंपेन चलाए, आप क्या करोगे, आप प्रमोशनल कैंपेन चलाने से पहले एक स्क्रीनशॉट लोगे पेज का, वो लगाओगे कोलाज में, देन जो आपने एड के लिए कैंपेन चलाई है उसके कुछ स्टैट्स लगाओगे, उसके रिजल्ट्स के स्टैट्स लगाओगे, कुछ कस्टमर्स का फीडबैक उसके अंदर स्क्रीनशॉट लगाओगे, कुछ कलर्स ऐड करोगे, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखोगे, उसकी इतनी अच्छा सा प्लेसमेंट करोगे, इतना अच्छा लेआउट करोगे कि आपका जो काम है जो भी देखेगा उसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। उसके अलावा ये अपने अपने से उसका बोलता है, आपने 6 प्रोडक्ट मॉकअप्स बनाए हैं, अब 6 प्रोडक्ट मॉकअप्स को स्क्वेयर साइज में इस तरह से सेट करें राइट, और इसी लेफ्ट या राइट पे उसकी डिटेल्स लिख दो कि ये प्रोडक्ट मॉकअप है, मैंने किस किस प्रोडक्ट पे बनाया, मैंने बैग पे बनाया, टिन पे बनाया, ट्यूब पे बनाया, और मैंने उसके लिए क्या क्या एलिमेंट यूज किया, थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लो ताकि वो आपकी एक फाइल किसी भी क्लाइंट को सेंड करो, देखो कि उसका कितना आपको इफेक्टिव रिस्पॉन्स आता है। पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा डू, अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, ये होता है कि आपकी फाइल शुड बी सिंगल। अगर लिंक सेंड कर रहे हो, इफ यू आर अ कंपनी और आपने लिंक सेंड करना है, तो कभी भी क्लाइंट को मल्टीपल लिंक सेंड नहीं करते, 5-6-7 लिंक सेंड नहीं करते, सिंगल लिंक सेंड करते हैं उसको। मॉकअप क्या होता है, अराया मैं बताती हूँ अभी, क्योंकि दूसरी टेक्निक शोकेस करने की होती है मॉकअप। एक टेक्निक अपने काम को शोकेस करने की है आपकी कोलाज, दूसरी टेक्निक अपने काम को शोकेस करने की है आपकी मॉकअप। अब ये एक और कोलाज है, अगर आप प्रेजेंटेशन डिजाइनर तो क्या ख्याल है, आप क्लाइंट को पावर पॉइंट की फाइल भेजेंगे और वो देखेगा और आपको शाबाश देगा, हो सकता है ऐसा हो जाए लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि आपका क्लाइंट आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड करे, तो वो क्या देखेगा, मैं क्या करूंगी, मैं अपने सारी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लूंगी, उन सारे स्क्रीनशॉट्स शॉर्ट्स टाइप कोलाज बनाऊंगी और उसको इमेज फॉर्मेट में सेव करके क्लाइंट को सेंड कर दूंगी, ताकि
ताकि उसको बगैर डाउनलोड किए सिंगल इमेज को क्लिक करके मेरे एक्सपर्टीज का आइडियोलॉजिस्ट को पता चले कि ये सिर्फ ना सिर्फ एक स्किलफुल डिजाइनर है बल्कि एक अच्छा प्रेजेंटर भी है, जो अपना काम इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, मेरा काम कितने अच्छे तरीके से करेगा। अच्छा जी, दूसरी ये एक और टेक्निक आपका, ये भी कोलाज है, आप डिफरेंट तरीकों से कोलाज शो कर सकते हैं। एक और टेक्निक, अगर आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं हो रहा कि मैं कोलाज किस तरह का बनाऊं, जिस तरह मैंने भी प्रोडक्ट मॉकअप की एग्जाम्पल दी, या आप लोगो डिजाइनर है, क्या करो कि 4x4 या 3x3 के ना स्क्वेयर्स बना लो डिफरेंट लाइंस में। अब ये 4x4 है, फोर स्क्वेयर इसके रोज में है और फोर इसके कॉलम्स है, उनमें डिफरेंट कलर्स जो फिल कर लो, ये जैसे ब्लैक, रेड, व्हाइट, जो भी आपको कलर समझ में आते हैं उनके कलर फिल कर लो और उसके ऊपर अपना डिजाइन प्लेस कर दो। लाइक एक ब्लॉक फॉर्मेट बना के उसके अंदर अपने डिजाइन प्लेस कर दो, फिर उसको एज एन इमेज फाइल सेव करो और क्लाइंट को सेंड कर दो, और फिर देखें कि कितना प्रोफेशनल, कितना अच्छा आपका इम्पैक्ट जाता है आपके क्लाइंट पे। अब ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4x4 16 लोगोज है। अब ये जो लोगो है ये ग्रूवी वाला, हो सकता है कोई क्लाइंट के लिए कोई लोगो है, इतना फजूल सा बचका लाज बना के सेंड किया है, तो ग्रूवी के लोगो पे उसकी नजर ही नहीं जाएगी। वो सारा का सारा काम इतना अच्छा बैलेंस हो रहा है कि देखने में लग रहा है कि बहुत ही टॉप लेवल का डिजाइनर है। आपका पहला जो मकसद होता है ना पोर्टफोलियो बनाने का, वो क्लाइंट को बगैर काम दिखाए कन्विंस करना होता है। इससे पहले कोई डिटेल्स में जाए, वो देखते ही कन्विंस हो जाए। अगर वो नहीं कन्विंस हो रहा, आप क्या करते हैं, मुश्किल काम करते हैं, आप उसको पहले अपना डिटेल वर्क सेंड करते हैं। और डिटेल वर्क याद रखना क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। मैंने एक क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिखा, दूसरे क्लाइंट को आर्टिकल सेंड किया, उसने कहा ये क्या आर्टिकल इतना फजूल सा, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। लेकिन मुझे पता है कि प्रीवियस क्लाइंट ने उसके लिए मुझे $300-400 पे किया, तो अब मैं उसकी वजह से इसको खराब कर लूं, मैं उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सेंड करूंगी, मैं उसको डिटेल्स में जाने ही नहीं दूंगी। जितना आप क्लाइंट के साथ डिटेल में जाते हैं उतना आपका प्रोजेक्ट खराब होता है। जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आप बिडिंग कर रहे हो, प्रपोजल सबमिट करवा रहे हो, पोर्टफोलियो दिखा रहे हो, नेवर गो इन डिटेल्स। जितनी कम बात करोगे और जितनी इफेक्टिव बात करोगे उतनी ही जल्दी जो है आप ग्रो करोगे। जब प्रपोजल लिखते हैं ना, तो सबसे बेस्ट और इफेक्टिव प्रपोजल वो होता है जो मैक्सिमम 2 या 2.5 लाइंस का हो। जितनी लंबी कहानियां लिखोगे ना उतना ही ज्यादा आप खुद फंसोगे, आपका जो क्लाइंट है ना वो अननेसेसरी जो क्वेश्चंस करेगा अननेसेसरी डिटेल्स में लेके जाएगा। अच्छा, मॉकअप ये होता है, जो लोग पूछ रहे हैं मॉकअप के बारे में, मॉकअप ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे डिजाइन को डिस्प्ले करते हैं, डिजाइन की प्लेसमेंट किसी भी प्रोडक्ट में मॉकअप, और शोकेस में अपने काम को डिस्प्ले करने की एक और टेक्निक है मॉकअप, जिसमें ना काम, अपना डिजाइन, अपना आर्टिकल, अपनी कोई डिजिटल साइट, अपना कोई एप्लीकेशन किसी प्रोडक्ट में प्लेस करके दिखाते हैं। लेट्स से ये आर्टिकल है या मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, तो मैं क्लाइंट को लिंक दूंगी, अगेन बाद में इंप्रेस नहीं होगा, मैं क्या करूंगी, मैं उस वेबसाइट का स्क्रीन शॉट लूंगी और वो स्क्रीन शॉट एक लैपटॉप पे या टेबलेट पे या फोन में प्लेस करके मैं क्लाइंट को सेंड करूंगी। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि प्रोडक्ट मॉकअप कैसे बनाते हैं, आप कितने इजीली बना सकते हो। अब अगर आपको प्रोडक्ट मॉकअप बनाना आता है, तो मैं आपको आपकी स्किल के मॉकअप्स बना के दूंगा ताकि अपने पोर्टफोलियो में आप क्लाइंट को दिखा सको। वेबसाइट का लिंक भेजना एज अ पोर्टफोलियो बहुत अनप्रोफेशनल अप्रोच है, जब तक आपका क्लाइंट डिमांड ना करे। अगर तो आपका क्लाइंट डिमांड करेगा मुझे लिंक दो, मैंने फंक्शनैलिटी चेक करनी है, फिर तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन जब उसने कहा ही नहीं है, तो आप क्यों अपनी जिंदगी को मुश्किल करते हैं, अपने काम को मुश्किल करते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट का जो है या अपने काम का एक उसको मॉकअप बना के दें। उसके बाद एक और अप्रोच मॉकअप बनाने की होती है कि जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो ना उसका मॉकअप भेज दो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज का मेथड देखिए डिफरेंट होता है। कंपनीज का तो पोर्टफोलियो होता ही आपकी वेबसाइट पे है। अगर एक कंपनी इस तरीके से पोर्टफोलियो भेजेगी तो वो उसके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। ये फ्रीलांसर्स का तरीका है। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फ्रीलांसर्स पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कंपनीज के अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं। अच्छा, एक तरीका ये है मॉकअप का कि जिस आपने सॉफ्टवेयर में काम किया है उसका मॉकअप भेज दो। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई पैकेजिंग डिजाइन बनाया है, तो मैं इलस्ट्रेटर का या अपना जिस भी सॉफ्टवेयर में काम कर उसका स्क्रीन शॉट लेके एक फिट सा उसका मॉकअप बना के क्लाइंट को भेज दूंगी, ताकि उसे पता चले कि मेरी सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी कितनी है, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, किस काम के लिए, क्वेश्चंस का आंसर
कि मैं 2 मिनट उसके बाद में, तो इस तरीके से भी अपना काम अपनी डिस्प्ले कर सकता है। ये डिजिटल सारे के सारे मॉकअप्स आपको बहुत आसानी से गूगल से मिल जाते हैं, फ्री मॉकअप्स होते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सब फ्रीलांसिंग में अपना पोर्टफोलियो बना के क्लाइंट को सेंड कर सकता है। आपका फोकस होना चाहिए सिंगल फाइल, और वो फाइल जिसको डाउनलोड ना करना पड़े फॉर एन इफेक्टिव पोर्टफोलियो। तो किसी का कमेंट था कि हमें जो है जो बहुत जो टॉप लेवल के वॉइस इशू आ रहे हैं। अच्छा लेट मी सी, हमें दिखाएं उनका पोर्टफोलियो जो कि टॉप ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। तो मैंने कुछ अवार्ड विनिंग पोर्टफोलियोज निकाल के रखे हैं, जरा उनको देख लेते हैं, फिर मैं आवाज का मसला जो है ना सॉल्व करती हूँ और आप लोग के क्वेश्चन आंसर भी कैटर करती हूँ। अब ये देखो, ये सारी की सारी जो फाइल्स है ना अवार्ड विनिंग डिजाइनर्स की, ये सिंगल फाइल्स है। क्या किया हुआ है उन्होंने, उनके उनके अप्रोच किया है जी, उन्होंने अपना जो काम है एक ही फाइल में एज अ कोलाज डिस्प्ले किया हुआ है। राइट, इस तरह से आप कोलाजेस बनाते हो, अपना डिजाइन लगाते हो, अपना काम लगाते हो, उसकी डिटेल लिखते हो, एंड देन उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो। इस तरह से ये देखो है सिंगल फाइल, लेकिन इसमें सारा कोलाज लगा हुआ है। एक और एग्जांपल आप ब्लॉग्स में भी कर सकते हो, उन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है, डिफरेंट ब्लॉग्स में अपने स्किल के डिफरेंट व्यूज अपने काम के। मैंने बताया कि सबसे इफेक्टिव तरीका शोकेस का होता है फ्रीलांसिंग में पोर्टफोलियो के लिए। इट्स अ वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी इंप्रेसिव कोलाज, कितना मिनिमल डिसेंट लग रहा है और कितनी एक प्रोफेशनल अप्रोच है अपना काम प्रेजेंट करने की। अनदर एग्जांपल, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं आप इस वेबसाइट से भी देख सकते हैं। ये इस वेबसाइट से मैंने ये एग्जांपल्स आप लोगों के लिए डाउनलोड की हैं, जहां पे टॉप 7 अवार्ड विनिंग फ्रीलांसर्स ने अपना काम डिस्प्ले किया हुआ है। इसको डिटेल से देखो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह से आप लोग इन अप्रोचेस को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो। बाकी जो है डिटेल्स मैंने आपको बता दी है बहुत ही आसान तरीके से, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी समझ आ जाए। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर पे जाएं, मुझे बताएं कि आप लोगों को कोई फायदा हुआ ये सीखने का। इसको जरा ऑफ कर लेते हैं, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर कैटर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि पोर्टफोलियो का सेशन अटेंड करने का कोई फायदा हुआ, कुछ समझ में आया कि क्या होता है पोर्टफोलियो, क्या करते हैं आप पोर्टफोलियो बनाते हुए, कितनी अप्रोचेज होती हैं, क्या आप लोगों के काम आ सकते हैं आज के सेशन आपके फ्रीलांसिंग करियर में या नहीं। अनंत, डिटेल और डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे कि आपने क्या चीज बनाई है, ब्रोशर है, ब्रोशर का नाम, किस चीज के लिए ब्रोशर बनाया है, ये सब चीजें आप उसमें ऐड करते हैं। और डिजाइनर्स नहीं है, जिनको डिजाइन सेंस नहीं है, वो कैनवा पे जाके वेरी इजीली अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। ओके संसार, जितना आपने सेशन के लिए वेट किया आप सब लोगों ने, आई होप कि आप लोगों को इतना फायदा भी हुआ होगा। ग्रुप का नाम है लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास। उसके अलावा भी अगर किसी को वो हेल्प चाहिए कि आपको A to Z सिखाया जाए कि कैसे बनाना है, तो ना सिर्फ पोर्टफोलियो बल्कि स्किल्स, फ्रीलांसिंग के सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप लोग पर्सनल कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जिसकी कि कल लास्ट डेट है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं पर्सनल कोचिंग में, जिनको सिर्फ सुन के समझ नहीं आती, जिनको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन चाहिए, आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर जितने लोग इंटरेस्टेड है कोचिंग के लिए, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं, ये कोचिंग उनके लिए नहीं है जिनको सिर्फ सीखना है, क्योंकि इसका पर्पज ये है कि आप लोग अर्न करें। फ्रीलांसिंग में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट मोटिव है अर्निंग। तो अगर आपको सिर्फ स्किल्स सीखने हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग इस पर्सनल कोचिंग को ज्वाइन करो। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन चाहिए, तब आप इस कोचिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आप लोगों के टारगेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मंथ का टारगेट होगा कि 100 सॉरी 1000 डॉलर हम लोगों ने अर्न करने हैं। लर्न तो हम करेंगे, स्किल्स तो मैं सिखाऊंगी, स्किल्स मैं बहुत जगहों पर सिखा रही हूँ। स्किल्स मैं फेसबुक के थ्रू भी सिखाने का मेरा प्लान है कि मैं आप लोगों को डिफरेंट स्किल्स सिखाऊँ।
डिफरेंट सेशंस होते हैं, मेरे डिफरेंट क्लासेस होती है जहाँ पे मैं स्किल्स सिखाती हूँ, लेकिन पर्सनल कोचिंग इंट्रोड्यूस करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग अर्न करें, जो सीखे उसको एग्जीक्यूट भी करें, ताकि मुझे पता हो कि जो टाइम मैं इन्वेस्ट करूँ दैट इज वर्थ इट। और उसके लिए लाइव प्रैक्टिकल्स होंगे, और जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का सेशन है तो मैंने कहा है कि अगर 100 लोग किसी भी फॉर्म में पोर्टफोलियो डिजाइन करके ग्रुप में अपलोड करते हैं, तो ग्रुप में शेयर कर देती हूँ यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करके, जस्ट अ मिनट, क्योंकि बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स उनको ग्रुप का नहीं पता। इस ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ पे आप लोगों ने अपने लगाने हैं पोर्टफोलियो। अगर 100 की स्ट्रेंथ होगी तो मैं नेक्स्ट सेशन में ये सिखाऊंगी कि आप पोर्टफोलियो से अर्न कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो से आप लोग हाई बजट के प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं। ये है ग्रुप लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, इसको आप लोग ज्वाइन कर ले। यहाँ पे मैं जितने मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के अलावा भी अगर आप लोग काम करते हो तो मैं आपकी सारी की सारी जो प्रोग्रेस है यहाँ पे मॉनिटर करूंगी। लेकिन ग्रुप में ये होता है कि मेरी कोई कमिटमेंट नहीं होती कि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगी। जब आप लोग पर्सनल कोचिंग ज्वाइन करते हो तो मुझे ही पता होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि अगर ये जो स्टूडेंट है इसको फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिल रहे तो ये क्या गलती कर रहा है, इन्होंने प्रोफाइल में क्या मिस्टेक की है, अगर पोर्टफोलियो इनका क्लाइंट को ट्रैक नहीं कर रहा तो क्या चीजें हैं। तो उसकी लास्ट डेट कल है, जो भी इंटरेस्टेड है वो एसएपी फॉर्म को फिल कर ले। फॉर्म का लिंक इसी सेशन के मैंने वो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, मैं कमेंट्स में भी शेयर कर दूंगी। अगेन ये लर्नर्स के लिए नहीं है सेशन, ये सेशन अर्नर्स के लिए है, जिनको अपनी स्किल्स को, स्किल्स तो मैं सिखाऊंगी इसमें, मैं आपको वो स्किल्स सिखाऊंगी ग्राफिक्स में से जिनकी इस टाइम मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। तो स्किल्स तो हम सीखेंगे, लेकिन सीख के फिर हम सो नहीं जाएंगे, हम सीखने के बाद ये देखेंगे कि इन स्किल्स से कैसे अर्न करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। अब आते हैं जी क्वेश्चन आंसर की तरफ। ग्रुप की रिक्वेस्ट मैं अभी आपकी एक्सेप्ट करती हूँ, मैं रोज मॉडरेटर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, मैं अभी पर्सनली भी देख लेती हूँ। एक दफा मैंने सुन लिया है मेसम अली, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ। शाहरुख जावेद कह रहे विद रिगार्ड टू द पर्सनल कोचिंग सेशंस वुड यू रिकमेंड ज्वाइनिंग फॉर कंटेंट। मैं से मैंने आपकी बात सुन ली, बाकी लोगों को भी जरा बोलने दें, आपके वजह से सारे जो है ना क्वेश्चन आंसर ऊपर जा रहे हैं। शाहरुख, ये जो अभी का जो कोचिंग है ये इसका कोर फोकस है ग्राफिक डिजाइनर्स पे, लेकिन अगर आपके पास स्किल है आप सिर्फ उसको सेल करना चाहते हो तो आप मार्केट प्लेस ज्वाइन कर लो। जो फॉर्म का लिंक मैंने दिया हुआ फॉर्म को जाके देखें, उस पर डिफरेंट ऑप्शंस है। अगर आपके पास स्किल है तो सिर्फ मार्केट प्लेस चूज कर लो कि मुझे फाइवर पर स्किल को सेल करना है, अपर पे करना है, freelancer.com पे। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है आप स्किल भी चूज कर सकते हैं, दोनों लोगों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। जिनके पास स्किल है उनको मैं सिर्फ ये सिखाऊंगी कि इस स्किल को आपने सेल कैसे करना है, जिनके पास स्किल नहीं है उनको मैं स्किल भी सिखाऊंगी, वो स्किल आपने किस सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करनी है वो सॉफ्टवेयर भी सिखाऊंगी, और उसके बाद जो है उससे आपने अर्न करना है, हम ये सब कुछ सीखेंगे। किंजा प्लीज अपने क्वेश्चन दोबारा रिटाइप कर दो, वो क्वेश्चन सारे ऊपर जा रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करती हूँ। अनंत कह रहे हैं मैम कोलाज को हम गिग कवर इमेज में लगा सकते हैं। अच्छा अनंत, गिग कवर इमेज इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपका कवर इमेज है। गिग में आप तीन पिक्चर्स लगाते हैं, दो पिक्चर्स होती हैं आपका पोर्टफोलियो, वो कोलाज हो सकता है, कवर इमेज की साइंस डिफरेंट है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अच्छा फीडबैक देंगे तो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह मैं करूंगी कवर इमेज पे, तो कवर इमेज कैसे डिजाइन करते हैं, क्योंकि फाइबर पे ज्यादा इंटरेस्ट है आप लोगों का, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको कवर इमेज डिजाइन करना सिखा दूंगी कि उसमें क्या होता है। बाकी दूसरी जो पिक्चर्स है उसके लिए आप कोलाज बना के लगा लो, कवर इमेज में कोलाज लगाना इज नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच। जब सिमरा क्या कह रही है, मैम माई क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट बट प्लीज आंसर, अगर हम इंडिविजुअल की बजाय बिजनेस अकाउंट बनाएं तो उस पर ऑर्डर जल्दी आते हैं एज अ कम्पेयर टू इंडिविजुअल अकाउंट। सिमरा आई वुड रिकमेंड कि आप जो है ना एज अ फ्री इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ। अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाते हो तो उसमें क्या होता होता है कि आपको टीम शो करनी पड़ती है, उसमें हेडेक ज्यादा होती है, और अगर आप जाके ट्रेंड देखें तो जो क्लाइंट होते हैं वो प्रेफर करते हैं इंडिविजुअल्स। अगर वो कंपनीज के साथ काम करना तो वो आउटसोर्स क्यों करें, अगर एक क्लाइंट है इंटरनेशनल क्लाइंट है उसको किसी कंपनी के साथ काम करना है तो वो जाके कंपनी को अप्रोच करेगा, वो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे नहीं आएगा। तो ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा ग्रोथ है एज एन इंडिविजुअल। ओके, उसके अलावा सजदी खान कह रहे पर्सनल क्लासेस 20th से स्टार्ट हो रही हैं, इंशाल्लाह कल तक जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है मैं आप लोगों का वो सेंड कर दूंगी टाइम टेबल बना के, और 20th से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी।
इनोसेंट जाफरी वाज माय स्टूडेंट, दो गिग्स बनाई हैं और एक कीवर्ड पे, दोनों गिग्स फर्स्ट पेज पे आ रही हैं और दूसरे कीवर्ड, दैट्स ग्रेट आई एम ग्लैड अनस। और जब आपको ऑर्डर मिलेगा इन गिग्स से तब आपने मुझे जरूर बताना है। ये जो पर्सनल कोचिंग है वो पेड है और उसकी फीस है बेसिक 5,000। अगर आप लोगों को बेसिक लेवल का कोर्स सीखना, आपकी बिल्कुल फ्रीलांसिंग में कोई भी नोहो नहीं है, आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी है 1 वीक का, लेकिन वो बेसिक नॉलेज है। उसके लिए आप लर्निंग विद अर्निंग को सर्च करें, उधर से कॉन्टेक्ट कर लें। वहां पर भी मैं इंस्टेंट स्किल्स सिखाती हूँ जो कि बेसिक लेवल के स्किल्स है, उसकी ड्यूरेशन ट्रेनिंग की 1 वीक है। तो अगर आपकी कोई बेस नहीं है, आपको बिल्कुल जीरो से सीखना है, तो पहले आप वो सीख लो। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो बेसिक टू एडवांस मैं आपको पर्सनल कोचिंग में सिखाऊंगी। पर्सनल कोचिंग का मैं बार बार बताऊँ, डिफरेंस इतना है कि इसमें सिर्फ आपको सिखाऊंगी नहीं, बाकी जगहों पे मेरा फोकस होता है आपको सिखाने पे कि आप लोग, जैसे आज के सेशन में मेरा कोर फोकस था कि आप लोग सीखे। अब ये सीख के कोई काम करता है या नहीं करता वो मेरी हेडेक तो नहीं है ना, तो लेकिन पर्सनल कोचिंग में मेरी जो हेडेक है वो ये है कि आप लोग काम करें, आप उस काम से अर्न करें। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैंने करना है कि नहीं करना कर... मैम आप अपनी क्लासेस में रियलिस्टिक मॉकअप बनाना सिखाएंगी बेसिक में? जी अदीला, जो मैं अपनी पर्सनल कोचिंग है ना उसमें मॉकअप ए टू जी, बेसिक टू एडवांस लेवल, मॉकअप के भी लेवल्स होते हैं ना कि आप बेसिक लेवल का मॉकअप कैसे बनाते हैं, एडवांस लेवल का कैसे बनाते हैं। किंजा का क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं मिला। किंजा अगर आप सेशन में है तो काइंडली अपना जो है वो मुझे क्वेश्चन दोबारा से पेस्ट कर दो। फैसल अमीन कह रहे हैं मैम यू सेड यू विल टेल अबाउट पॉडकास्ट डिजाइन। जी फैसल, इंशाल्लाह मैं पॉडकास्ट डिजाइन के बारे में बताऊंगी। अब एक सेशन होता है, उसके बाद डेली मेरी क्लासेस भी होती हैं, फिर मैंने आप लोगों के लिए सेशन भी प्लान किया होता है, ऊपर से मेरा गला भी खराब है तो इतना कुछ मैनेज करना ना मेरे थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक सेशन करके ना मेरा बस चले तो मैं आप लोगों को सारा कुछ बता दूँ, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा, और प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। सादिया, फी कैसे सबमिट करवानी है? ये आप लोग फॉर्म पे जाएं, फॉर्म देखें, उसमें सब कुछ डिटेल सारी एक्सप्लेन की गई है। फिर भी समझ ना आए तो आप पेज पे कांटेक्ट कर लो, वो आपको गाइड कर देगी टीम की आपने कैसे क्या चीज करनी है। क्लास की जो टाइमिंग होंगी ना वो शाम में होंगी, 6 से 5 से 9 बजे के दरम्यान में मैं आपकी टाइमिंग डिसाइड करूंगी। वीक में 3 क्लासेज होंगी तो ये सारे का सारा टाइम टेबल जो है ना वो आपको मिल जाएगा। जी मास टाइम टेबल जो है मैं इंशाल्लाह कल तक बना के फ्लोट कर दूंगी पर्सनल कोचिंग के लिए। सादिया फॉर्म देख लो, वहां पे डिटेल है कि फी कैसे सबमिट करवानी है। ऑर्डर लेना और सेल करने का कोई कोर्स है? अशफाक, पर्सनल कोचिंग का मकसद ही आप लोगों को कमाने, कमाता हुआ देखना है, कमाने के काबिल नहीं करना। कमाने के काबिल तो आप आज के सेशन के बाद भी हो जाएंगे। अगर आप लोग पोर्टफोलियो बनाना सीख जाते हैं तो एक पोर्टफोलियो बना के आप ऑर्डर ले सकते हो, लेकिन पर्सनल कोचिंग का मकसद आपको कमाता हुआ देखना है कि विद इन अ मंथ आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जानी चाहिए। आप लोग मेरे थ्रू लाइक मेरी गाइडेंस में आप लोग अपने पहले पहले प्रोजेक्ट्स करें, ताकि कोई इशू आता है तो मैं सॉल्व कर लूं। फ्रीलांसिंग इंस्टेंट स्किल की कब से क्लासेस हैं? आतिश उसकी क्लासेस चल रही हैं, कुछ बैजेस भी लॉन्च हो रहे हैं, वो भी साथ चल रहा है। freelancer.com पे जी पेनिल का अकाउंट अटैच होगा। आमिर, क्रोसल टाइप भी आप ऐसे ही बनाते हैं? क्रोसल टाइप जो बेसिकली होता है वो इंटरेक्टिव होता है, वो आपका इमेज फॉर्मेट नहीं होता। क्रोसल जो होता है दैट इज एन इंटरेक्टिव टाइप ऑफ क्या उसे कहते हैं, पोर्टफोलियो। जी पर्सनल कोचिंग का मोटो है अर्निंग विद लर्निंग। मास बड़ा अच्छा डिफाइन किया आपने, आई एम इम्प्रेस्ड, दैट्स गुड। सो इसका मोटिव है अर्निंग, क्योंकि देखो जब से मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ ना, तो एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि अगर मैंने 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया उसमें से 10 अर्निंग कर रहे हैं, बाकी 90 का पता ही नहीं है। तो जो 10 अर्निंग कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैम आपके तरीकों को फॉलो किया हमारी अर्निंग शुरू होगी, बाकी 90 कहते हैं मैम हमें कुछ आया ही नहीं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि जब तरीके में मसला नहीं है, 10 लोगों के लिए काम करें, बाकी 90 के लिए क्यों नहीं कर रहा। अगर मैं खुद टाइम इन्वेस्ट करूंगी तो आई विल मेक श्योर कि सबके सब जो है सेम लेवल पे काम करो। सेम लेवल का मतलब ये है कि आप लोग एटलीस्ट अर्न करें। ब्राउशर प्रो लेवल स्किल के लिए जोया, इस पे मैंने आई गेस अपने पुराने पेज पे एक सेशन किया था कि आप अपने डिजाइन स्किल्स को कैसे इनहेंस करते हैं। अगर तो आपको इसका बेसिक लेवल आता है तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा जो है वो होते हैं, पॉलिश होते हैं। सहर कह रही है कि मनी कैसे विड्रॉ करते हैं आप लोग फाइवर से? आप पेनी के थ्रू कर सकते हो, डायरेक्ट बैंक के थ्रू कर सकते हो।
शुक्र है किंजा का क्वेश्चन मुझे मिल गया है, जो कह रही है फ्रीलांसर के थ्रू कैसे अर्न करते हैं। किंजा, freelancer.com पे भी आप जाके प्रोफाइल बनाते हो और उस पे आप प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हो, काम करते हो और उसके बाद आपको क्लाइंट पैसे देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक गेम भी चल रहा होता है कि आपके लेवल्स अप हो रहे होते हैं, आपको बैजेस मिल रहे होते हैं, जितने आप प्रोजेक्ट सबमिट ज्यादा करवाओगे उसका बैज अलग होता है। तो काफी एक इंटरेस्टिंग सारी चीज है, और जो लोग freelancer.com पे काम कर रहे हैं उनको आइडिया होगा। जकी कह रहे हैं आई एम रनिंग स्टार्टअप, कैन आई हैव क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज। जी जकी, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे को ही चला रहे हैं, आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। अगर क्लाइंट वर्क शो करने के बाद बोले तो विच मेथड इज बेस्ट, लिंक सेंड करना या पिच। ये किंजा, मैंने इसके बारे में भी बताया है कि क्लाइंट को आपने पहला डू पोर्टफोलियो का फ्रीलांसर्स के लिए ये होगा कि सिंगल फाइल सेंड करें। क्लाइंट जो है ज्यादा फाइल्स को डाउनलोड नहीं करता, प्रेफर नहीं करता। एक तो सिंगल फाइल होगी, दूसरा फाइल को है डाउनलोड ना करना पड़े, वो सिर्फ देखने से समझ आ जाए कि क्या काम है, जो कि इमेज फाइल होती है बस। इंशाल्लाह फैसल, इसके बाद जो है वो हम अपवर्क की तरफ आएंगे, और अपवर्क का टॉपिक ये होगा कि अपवर्क पे पहला प्रोजेक्ट कैसे लेना है। पहले पहले प्रोजेक्ट की बात करूंगी, फिर जब आपको पहले पहले प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मिल जाएंगे तो फिर बात करेंगे कि इस पर ग्रो कैसे करना है। राइट, सो नेक्स्ट सेशन, फहमीदा कह रही है यू अटेंडेड योर बेसिक सेशन वाइज के डीएम, कैन आई पे एंड अटेंड नेक्स्ट लेवल ऑफ इट। एब्सोल्युटली फहमीदा, ये जो पर्सनल कोचिंग है ये नेक्स्ट लेवल ही है। अभी तक जहां जहां मैं पढ़ाती रही हूँ, जहां जहां मेरे सेशन और इवेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो बेसिक होते हैं, लर्निंग बेस्ड होते हैं। तो जो पर्सनल कोचिंग मैं अभी जिस पे काम कर रही हूँ कंटेंट पे, वो ये है कि इसका जो मॉड्यूल है वो अर्निंग बेस्ड हो। तो अगर आपको अपनी उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आप उधर साइन अप कर लें। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं कमेंट्स में भी दे देती हूँ। जकी, अगर आपको कंप्लीट सेशन चाहिए फ्रीलांसिंग का तो आप फॉर्म देखें, उसमें सारी डिटेल्स हैं। फॉर्म जो है उसको कर दो फिल। पोर्टफोलियो वेबसाइट दैट यू आर शेयरिंग, ये पोर्टफोलियो आप इसकी बात कर रहे हो जहां से मैंने आपको वो पोर्टफोलियोस दिखाए थे, अनम जो अवार्ड विनिंग पोर्टफोलियोस, या जहां से पोर्टफोलियो बनाना है किसकी, आप मुझे क्वेश्चन अपने लेबरेट कर दें। सिमरा मैम, एक पेनी दो अकाउंट फाइवर के साथ यूज हो सकता है, मगर अगर न्यू बनाना हो तो वही पेनी अकाउंट चूज कर लें। नहीं सिमरा, एक पेनी और एक आपका फाइवर। अगर आप चाहती हैं कि आपके फ्रीलांसिंग के करियर में कोई प्रॉब्लम ना आए, फाइवर आपको तंग ना करे, पायनियर आप पे वेरिफिकेशन ना लगाए, तो एक पायनियर का अकाउंट और एक फाइवर का अकाउंट, उसको दो दो जगह पे यूज ना करें। पहले पॉलिसीज जो थी वो डिफरेंट थी, अब पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, तो अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये आपको काम नहीं करने देंगे। कॉन्टेस्ट दिया स्टार्ट होगा जब ये पर्सनल कोचिंग के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो जो लोग रिफंड में इंटरेस्टेड होंगे, जिनको रिफंड चाहिए होगा, उनके साथ मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगी, जो लाइव कॉन्टेस्ट होगा, ताकि सब लोग देखें किसने कितना सीखा है और किसकी कितनी स्किल्स है। और फिर जो जो कॉन्टेस्ट विन करेगा उसकी फुल फी रिफंड हो जाएगी। न्यू पोर्टफोलियो बनाने के लिए अनम canva.com की वेबसाइट है, मैं शेयर कर देती हूँ। ये वेबसाइट है canva.com की, यहाँ पे आप लोग जाके जो है अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं बिगनर्स। ये मैं भी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ओके, और कोचिंग क्लासेस जो है दैट इज नॉट ओनली अबाउट फाइबर, उसमें आपको चार मेजर मार्केट प्लेसेस सिखाई जाएंगी, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग पैकेज में सिर्फ फाइबर है। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपने कोचिंग को अपग्रेड भी कर सकते हो, आप अपवर्क चूज कर सकते हो, 99 डिजाइन और फ्रीलांसर, ये सारे की सारी चीजें काफी डिटेल में फॉर्म पे मेंशन है। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी कुछ ये समझ नहीं आती तो आप लोग पेज पे कॉन्टेक्ट कर ले, आस्क मिस अब्बास के पेज पे, वहां पे टीम आपको सारा गाइड कर देगी। और जो लोग इंटरेस्टेड है काइंडली आप लोग कल तक अपने फॉर्म्स फिल करके फीस सबमिट करवा दो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, बिकॉज मुझे क्लासेस प्लान करनी है, तो सबके रजिस्ट्रेशन के बाद ही मैं क्लासेस प्लान करूंगी। आप लोग काइंडली इसको कल तक कर लें, और फिर इंशाल्लाह अगला बैच होगा जब ये करंट बच्चे अपना $1,000 का टारगेट माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। पहले मंथ का आप लोगों का माइलस्टोन होगा, कम से कम आप लोगों ने $1,000 अर्न करने हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होगे वहां से। उसके बाद फिर जो है हम लोग नेक्स्ट बैच की तरफ आएंगे।
कोचिंग क्लासेस जूम पे होंगी, आपने देखा फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग के कितने इश्यूज है, कभी आवाज आती है कभी जाती है, तो जब क्लास में इतनी डिस्टर्बेंस तो अच्छी नहीं लगती ना, तो वो सारी जूम पे होंगी जी। प्लीज आमिर बताएं क्या क्वेश्चन है आपका, इतने सारे क्वेश्चन है वो हो जाते होंगे मेरे से मिसकिप हो जाते होंगे आप पूछे। हमजा कह रहे हैं कि सेटिंग पोर्टफोलियो शुड बी यूज अ वेबसाइट। हमजा इसका मैंने जवाब दिया है कि एज अ फ्रीलांसर अगर आपको अपना पोर्टफोलियो सेंड करना है तो फ्रीलांसर्स के लिंक पे क्लाइंट क्लिक करना पसंद नहीं करता, वो ट्रस्ट नहीं करता आप पे। पीडीएफ करोगे उसको डाउनलोड करनी पड़ेगी और हर कोई डाउनलोड भी नहीं करता। सबसे आसान और इफेक्टिव अप्रोच एक फ्रीलांसर के लिए इमेज, इमेज किस तरह का बनाना, उसके तीन तरीके मैंने बताया है, अगर आपने स्किप किया सेशन तो आप सुन लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी ऑर्डर्स क्यों कम आते हैं फाइवर पे साइमा, क्योंकि आप काम कम करती हैं, जब आप काम ज्यादा करेंगे तो फिर आपके ऑर्डर ज्यादा आएंगे। अच्छा बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है ऑर्डर्स कम आते हैं, जब मैं फाइवर पे काम किया थी तो मेरा इशू ये था कि मेरे से ऑर्डर्स मैनेज नहीं थे होते, मैं कहती थी अल्लाह करे आज कोई जो है मुझे ऑर्डर ना मिले, बिकॉज प्रीवियस इतने सारे हैं कि मैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। न्यू ऑर्डर आते हैं तो फिर आप कंप्लीट ना करो तो आपका वो प्रोफाइल रेटिंग खराब होती है, तो मेरी रोज की टेंशन नहीं होती थी कि मुझे आज ऑर्डर ना आए। इंशाल्लाह आप लोग का भी वो टाइम आएगा कि आप लोग ऑर्डर ना आने की दुआएं मांगेंगे। फाइवर को छोड़ने का मसला यही था कि मुझे जो है ना उस पर ऑर्डर मैनेज नहीं थे हो रहे, प्रोफाइल मेरी खराब हो रही थी। अपवर्क का बहुत अच्छा सीन है, अपवर्क पे आपके पास लिबर्टी है कि आपने अगर बिड किया है तो प्रोजेक्ट मिलेगा। फाइवर पे तो बिड ना भी करो, बस प्रोफाइल बना के सो जाओ, सुबह उठो 4-5 ऑर्डर्स प्लेस हुए होते हैं। ओके जाहिद कह रही है मॉकअप पे लोगोस या पिक्स अपनी तरफ से सोचकर जो लगानी है वो जहन में नहीं आ रही, तो कोई मसला नहीं है जाहिद, इसे परेशान होने वाली कौन सी बात है, कैनवा पे जाओ, वहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको वो दे देता है आइडियाज इंस्पिरेशन, कैनवा पे अपनी डिजायर्ड कीवर्ड को लिख के देखे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंशाल्लाह माज आप सबके नसीब में ही होगा, परेशान नहीं होना, क्या पता आपके नसीब इससे भी अच्छे हो, आपके नसीब में परेशानी ना हो, ना ऑर्डर आने की ना ऑर्डर ना आने की, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। साइमा कह रही है न्यू ऑर्डर्स कैसे आएंगे, साइमा अगर आपको फाइवर पे आजकल ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है, 11 बजे के बाद, रात 11 बजे के बाद 3 दिन के लिए फाइवर पे कम से कम 2 घंटे के लिए आपने ऑनलाइन रहना है, और ये ऑनलाइन जो है ये आपने इनएक्टिव ऑनलाइन नहीं रहना है कि आपने बस रिफ्रेश करते रहना है, आपने जब ऑनलाइन होना है तो जो आपके गिग्स है, फॉर एग्जाम्पल आपका गिग है फोटोशॉप एडिटिंग पे, तो आपने 10 से 15 मिनट के लिए फोटोशॉप एडिटिंग के कीवर्ड को सर्च करना है, और जो उसके रिजल्ट शो होंगे उस पे रैंडम गिग्स को ओपन करके स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल अप करो, एक्टिविटी शो करो। फाइबर को बताओ कि आप एक्टिव यूजर हो, यू आर लुकिंग फॉर वर्क। हम लोग क्या करते हैं जब हमने कोई काम करना होता है ना, हम जब जाते हैं निकलते हैं बाहर, अक्सर होता है कि सिग्नल्स पे वर्कर्स खड़े होते हैं, लेबर खड़ी होती है, वो अपनी अवेलेबिलिटी बता रहे होते हैं कि हम अवेलेबल है। अगर वही पेंटर अपने घर में बैठा होगा तो उसको काम नहीं मिलेगा, अगर वो पेंटर डेली आके किसी सिग्नल पे खड़ा हो रहा है अपने टूल्स के साथ तो गुजरने वालों को पता होगा कि ये दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर वर्क। तो फाइवर अगर आपको काम नहीं दे रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहा, तो पहले फाइवर को बताओ कि आपको काम चाहिए, वो कैसे आप बताओगे, आप उस पर ऑनलाइन रहोगे 2 से 3 दिन 11 बजे के बाद 2-3 घंटे के लिए, लेकिन आप क्या करोगे, आप एक्टिविटी करोगे, एक्टिविटी में क्या करोगे, जो आपके गिग का कीवर्ड है, फोटोशॉप एडिटिंग है, मॉकअप डिजाइन है, कंटेंट राइटिंग है, व्हाट एवर इट इज, उसको सर्च करोगे, उसको सर्च करोगे, और जो लोग ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं उनको देखोगे ताकि फाइवर को ये सिग्नल मिले कि आप इसको मैंने काम देना है, इसको भी काम चाहिए। जी बिल्कुल मास, फाइवर के सिग्नल पे खड़े होके आपने फाइवर को ये इंडिकेशन देनी है कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। अपवर्क पे भी ऐसे ही होता है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है मैं अपवर्क पे करूंगी, फिर तब तक आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना के मुझे दिखा चुके होंगे, फिर हम लोग बिहान्स पे लेक्चर करेंगे, और मैंने क्या प्लान किया हुआ, गिग इमेज, गिग इमेज मैंने प्लान किया हुआ कि वो मैंने आप लोगों को बताना है। अब्दुल्ला रजाक हिशाम साहब तो लेजेंड है, उनका तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, ही इज अ गुरु। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेरे भी इतना स्टेमिना आ जाएगा कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को सिखा सकूं, अभी तो छोटी सी कोशिश है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो जो चीजें मैं उनको नहीं सिखा पाई वो जो है उसको प्रैक्टिस कर सके, फिर अगर बाकी ऑडियंस सीखती है तो उससे ज्यादा एक अच्छी बात, एक एनर्जी वाली बात कोई नहीं हो सकती। अगर अभी जितने लोग सेशन में है चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग परफॉर्म करोगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मजीद सिखाऊंगी, इससे ज्यादा सिखाऊंगी। साइमा कह रही है आई टुक ओनली 1 क्लास फ्रॉम यू एंड आई हैव अर्नड $160 इन 2 वीक्स। जबरदस्त साइमा, थैंक यू फॉर मेकिंग मी प्राउड। ये देखें आपका कमेंट पढ़ के ना सारी मेरी एनर्जी वापिस आ गई,
सर मैं इसके ग्रुप में आप पोस्ट लगा दें ताकि जो है ना बाकी आपकी फेलोज भी मोटिवेट हो सके, मैं पढ़ू तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके कि आप लोग जो है काम भी कर रहे हैं सिर्फ सीख नहीं रहे। ओके सब लोग जो है अब हम इसको करते हैं वाइंड अप 5:15। इंशाल्लाह जो है फिर नेक्स्ट सेशन में प्लान करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। और ओके ऑलराइट थैंक यू एवरीबॉडी आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके इंट्रैक्शन के लिए टू बी इन द सेशन। लेकिन आपका करने वाला काम ये है कि अब आप लोगों ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाना है ताकि मैं आपको मजीद गाइड कर सकूं, मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। आप सब लोग खुश रहे, काम करते रहो और अर्न करते रहो, बहुत सारे पैसे कमाओ, जितने भी आपके ख्वाब हैं जितनी भी ख्वाहिशें हैं अल्लाह करे सब पूरी हो। छोटी सी जिंदगी है, एक ही दफा मिलती है, खुल के जिए, ना खुद परेशान हो ना किसी को परेशान करे। जो किसी को परेशान करता है तो फिर उसको जिंदगी में खुशी नहीं मिलती। तो ना आप लोगों ने किसी को परेशान करना है ना आप लोगों ने खुद परेशान होना है। थैंक यू एवरीबॉडी, स्ट्रीम को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज, अपना अपना ख्याल रखिएगा सब।